नशे से इनकार करो, जिंदगी से प्यार करो, नशे से इनकार करो, जिंदगी से प्यार करो। आज पूरी दुनिया की तरह सांगढ़ में भी मंशियात से नफरत का दिन मनाया जा रहा है। सांगढ़ में हर माह करोड़ों रुपए की मंशियात की खरीद फरोख्त जारी है। सांगढ़ में मंशियात से आदि अफराद के इलाज के लिए सेंटर बनाया गया, जिसमें 200 से ज्यादा नौजवानों का इलाज किया जाता है। यहाँ इस हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में मंशियात की रोकथाम करने वाले अदारे के किसी भी शख्स ने शिरकत न की और न ही किसी सियासी, समाजी, सरकारी शख्स ने शिरकत। इस मौके पर सेंटर इंतजामिया का कहना था कि हम कोशिश यह है नशे का पाक थे, जी हाँ, गवर्नमेंट भी एक नई फोर्स ठाई है, तो असा आवाम से ये अपील है तो कोशिश कन पे इर्द गिर्द नज़र घुमाएं, जिते भी को अड़ी एक्टिविटी नशे की एक्टिविटी हुए तो गवर्नमेंट के इतला दें, जी अस नशे का बची सकूँ। हम 3 माह में मंशियात के आदि अफराद का इलाज आगाही प्रोग्राम और फिजिकल ट्रेनिंग से कर अब तक हम हज़ारों नौजवानों का इलाज कर चुके हैं, जबकि इस सेंटर में पूरे सिंध से मंशियात के आदि अफराद इलाज की गर्ज से मौजूद हैं। इस सेंटर में 14 साल से लेकर 60 साल के अफराद का इलाज किया जाता है, जिनके तमाम अखराजात अपने मदद आप पे तय होते हैं। सेंटर में आने वाले मंशियात के आदि अफराद का कहना है कि इनको मंशियात इनके इलाके से बगैर किसी तकलीफ के मिल जाती है। सांगढ़ जिले में हर माह करोड़ों रुपए की मंशियात सरेआम फरोख्त हो रही है। मंशियात फरोख्त हाउस ऑफ होप के नाम से ये एक सेंटर है जो 82 में ब्रदर नारायण वरे ने फाउंड किया था। जी, यहाँ पे ड्रग का इलाज होता है, मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे हमारे पास पेशेंट आते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान से, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेंटर है ये। हमारे पास पेशेंट नहीं है, अच्छा, हम इन्हें क्लाइंट हैं हमारे। अच्छा जी, ये अच्छा, मरीज़ नहीं है। अच्छा, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। आज 26 जून के हवाले से हमने ये जो वर्ल्ड लेवल पे एंटी नारकोटिक्स डे, उनके हवाले से हमने रैली निकाली है और हमने जो कोशिश थोड़ी की है कि हम कुछ पेशेंट भी हैं जो हम ड्रग रिकवर कर रहे हैं, काफ़ी सालों से ये सेंटर चल रहा है, तो हमारी ये कोशिश है कि हम पाकिस्तान को ड्रग से पाक कर लें। और बाकी लोगों से भी हम अपील करेंगे, अपने दोस्तों से, कुलीग से, गवर्नमेंट से भी, गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही है। और ओवरऑल जो है वो तवज्जो सिर्फ यहाँ नहीं देनी चाहिए बल्कि जहाँ पर मंशियात बिक रही है, क्योंकि जब अगर बिकना बंद होगी तो पीना भी बंद हो जाएगी, लेकिन बिक रही है तो यहाँ पे रिलैप्स इसीलिए होते हैं कि यहाँ पर जाके हमें मिलती है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस नशे में आ रहा है। बाज जो है इस तरह के कंडीशन में आते हैं कि उन्हें जो है टाइम से ज़्यादा देना पड़ता है, बाज ऐसे आते हैं कि वो उन्हें जल्दी जो यहाँ से छोड़ दिया जाता है। तो मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पे 3 मंथ या 6 मंथ हम रखते हैं यहाँ पे, और उसके बाद उसकी कंडीशन देखें वहाँ पर सिस्टम बड़ा जो है वो सिस्टम चल रहा है गवर्नमेंट के डिपेंडेंट। आपको सीधी सी बात बताऊँ, अगर गवर्नमेंट चाहे, देखें ना, यहाँ पर अगर हम टंडवा में जाते हैं तो वहाँ पर मिलने की ये कंडीशन है कि आप हर घर घर में मिल रहा है। अब नशा वहाँ पर इतनी फ्रिक्वेंटली अवेलेबल है कि वहाँ पर जाने के बाद हमें बचने की बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश की ज़रूरत होती है। मुझे 5 महीने होने वाले, नशे करते थे घर पर, तंग करते थे, लड़ाइयाँ झगड़े, कमज़ोर हो गए थे, नहीं स्कूल पढ़ता था, फिर छोड़ दिया। अच्छा, नशे की वजह से। अच्छा, फिर यहाँ पर आया हूँ, माशाल्लाह अभी सेहत काफ़ी बेहतर होगी, पहले बहुत कमज़ोर आया था और यानी कि लड़ाई झगड़ा मेरा बिल्कुल, आदत रवैये मेरे ख़राब थे। खुराक देते हैं, बैलेंस डाइट देते हैं, वर्जिश कराते हैं, काउंसलिंग थेरापी है, फिजिकल एक्टिविटी है, इस तरीके से रिकवर कल्चर नहीं करते हम, एक्टिविटी करवाते हैं। हाँ। और फिजिकली क्रिकेट गेम्स वगैरह होती हैं, वर्जिश होती है, जहनी उसके क्लासेस चलते हैं, हमारे काउंसलर हैं। अच्छा। वो क्लासेस चलाते हैं इनको। बाहर की ड्रग्स रोकनी पड़ेगी, माहौल चेंज करना पड़ेगा, कुछ एहतियाती उपाय करने पड़ेंगे, इनको मसरूफ़ रखना पड़ेगा, जो वालदेन की तरफ से फ्री होता है पेशेंट बच्चा, उसको कुछ चेक इन बैलेंस नहीं होता, कोई पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखनी चाहिए। हम 3 महीने के लिए रखते हैं, फिर अगर कोई किसी पेशेंट को देखते हैं तो उसका टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं 4 महीने 5 महीने, उस हवाले से 3 महीने रिकवर हो जाता है। तकरीबन 70-80% पेशेंट जो हैं वो 3 महीनों में रिकवर हो जाते हैं, ड्रग से रिकवर कर लेते हैं नशे से। हाँ, नहीं, बहुत बड़ा एशिया का सबसे बड़ा इदारा है भाई। यहाँ पर अभी आपके सामने थोड़े से आदमी है, बाकी यहाँ 3 महीने में 90 दिन में जो इलाज है ना मुकम्मल हो जाता है। यहाँ पर वहाँ पर और अल तभी बेच रहे, लेकिन ये गवर्नमेंट पंजे। अच्छा, आप राजू साहब हैं जी है। अच्छा, ये चीज़ें देखें, आपने ये चीज़ें देखी होंगी, ये बड़े थैले के अंदर आपने ये चीज़ें रखी हैं, तो
ढकी छुपी बात है ही नहीं। और क्या ये कहाँ से लेके आते हैं आप? यार ये मेरे को पता नहीं है, वो दूसरा बंदा है, मैं तो अभी ऐसे बैठा हूँ। नहीं ज़ाहिर है दूसरा बंदा भी है, और ये चीज़ें अगर आप देखें तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल सरेआम एक चीज़ चल रही है, और ये आदाब भी है और ये चीज़ें भी हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे दिखाएं आपको, सिर्फ सीधा अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो चीज़ें हैं जो कि कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, उनके अदारों के साए के नीचे अगर ये चीज़ चल रही है, कोई तो देता होगा ना आपको। बेटा ये कहाँ से, बेटा कहाँ से लेके आते हैं ये? हमारे को नहीं पता। फिर नहीं देता तो ये कैसे यहाँ बिक रही है, कैसे बिक रही है, कौन दे रहा है ये? नदीम जी, आप उधर से आए? सर से क्या नाम है आपका? नदीम। अच्छा नदीम साहब, आप ये बताएं कि इस वक्त जो आपकी जो दुकान है इसमें आपने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रखी हुई देखें, ये क्या, इसको क्या कहते हैं? हाँ सफीना। सफीना कहाँ से आती है? पता नहीं। कौन लेके आता है? पता नहीं कौन लेके। आप बेच रहे हैं यहाँ पे तो ज़्यादा आपके पास आती है तो बेच रहे ना? मामू लेकर आता है। हाँ मामू आता है। क्या कहेंगे इस पर, ये जो चीज़ें जो हैं जहाँ बिक्री हैं ये बिकनी चाहिए या नहीं बिकनी चाहिए? ये तो अभी मैं क्या कह सकता हूँ कि बिके ना बिके, तो मनचाहत नहीं बिकनी चाहिए। नहीं तबाह हो रही है। हाँ छोटी नस्ल तबाह हो रही है। क्या समय कौन देके जाता है यहाँ पे? अभी ये पता नहीं है कौन लेके जाता है। नहीं आप खाते हैं? मैं नहीं खाता। नहीं बेटा ज़ाहिर है आप ये बेच रहे हैं, कोई ना कोई आपको देता होगा। नहीं मुझे नहीं बताए। ऐसे तो नहीं आप उठा के बेचना शुरू कर दिया? नहीं भाई मामू को बताए, मामू है ही नहीं आप इधर। करने वालों में मासूम बच्चे भी शामिल हैं। जरूरत समर कहेगा अगर इंतजामिया और सियासी रहनुमा चाहते हैं कि इनके नौजवान इस लानत से दूर रहें तो इनको मंशियात की खरीदो फरोख्त करने वालों की हौसला अफजाई करने के बजाय इनकी मुखालफत करना होगी। कैमरा टीम के साथ अशफाक सुलेरी।